अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अस्मास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हरियाली कीमा और पूरी। तो सबसे पहले हम कीमे को तैयार करते हैं। तो कीमा तैयार करने के लिए हमने यहाँ 500 ग्राम मटन का कीमा लिया है और इसे अच्छी तरह धोकर रख लिया है। दो मीडियम साइज की प्याज को हमने यहाँ बारीक काट लिया है। कुछ साबुत मसाले लिए हमने, तो 3 से 4 लौंग, 2 हरी इलायची, आधा पीस जावित्री का, 1 टुकड़ा हमने यहाँ दालचीनी का लिया है, 8 से 10 काली मिर्चें और 1 टीस्पून जीरा लिया है। तो यहाँ हमने एक कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच तेल डालकर गरम कर लिया है। अब डाल देंगे हम इसमें ये सारे साबुत मसाले। तो मसाले जब यहाँ हल्के से फ्राई हो जाएं, तो अब डाल देंगे इसमें ये प्याज। और यहाँ प्याज को हम हल्का गुलाबी होने तक फ्राई कर लेंगे। तो जब तक प्याज फ्राई होती है, उतनी देर में हम यहाँ बाकी के इंग्रेडिएंट भी देख लेते हैं। तो हमने यहाँ 5 से 6 हरी मिर्च ली है और 1 इंच अदरक के टुकड़े को छील लिया है। 15 से 20 हमने यहाँ लहसुन की कलियाँ ली है, 1 कप हरा धनिया लिया है, 1.5 टेबल स्पून भुना कुटा धनिया लिया है, 1 टीस्पून नमक लिया है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून भुना कुटा जीरा और 1/2 टीस्पून हमने यहाँ काली मिर्च पिसी हुई ली है। 2 टेबल स्पून हम यहाँ क्रीम या मलाई ले लें, तो मैंने यहाँ मलाई ली है। और 2 मीडियम साइज के टमाटरों को हमने यहाँ बारीक काट लिया है। तो लहसुन, अदरक, मिर्च और हरा धनिया, इन तीनों चीज़ों को हम मोटा मोटा पीस लेंगे। तो यहाँ प्याज ये हल्की गुलाबी हो गई है। अब डाल देंगे हम इसमें ये कीमा, थोड़ी देर हम इसे भून लेंगे। तो यहाँ कीमे को थोड़ी देर भूनने के बाद में अब डाल देंगे हम इसमें ये पिसा हुआ मसाला, जिसमें हमने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और हरा धनिया पीसा है, ये डाल देंगे। और इसी में डाल देंगे हम ये मसाले भी। और यहाँ सारी चीजों को अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। यहाँ इसमें हमने 1/2 गिलास पानी डाल दिया है। अब इसे हम ढक देंगे और थोड़ी देर इसे ढक कर पका लेंगे। गैस की फ्लेम को हम यहाँ मद्दा रखेंगे और मद्दा फ्लेम रखकर ही हम इसे पकाएंगे। और जब यहाँ कीमा थोड़ा सा गल जाए, तो अब हम इसमें डाल देंगे ये टमाटर। तो पहले हम इसे एक बार चला देंगे। अब डाल देते हैं हम इसमें ये टमाटर, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। तो यहाँ हमने ये टमाटरों को अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब यहाँ टमाटर के गलने तक और इसका पानी सूखने तक इसे अच्छी तरह हम पका लेंगे। गैस की फ्लेम को हम यहाँ मद्दा ही रखेंगे और इसे हम ढक देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये टमाटर भी अच्छी तरह गल गए हैं और कीमा भी अच्छा गल चुका है। और यहाँ इसमें थोड़ा सा पानी है, तो इसे हम रहने देंगे। अब इसमें डाल देंगे हम ये पिसा हुआ थोड़ा सा गरम मसाला, 1/2 टीस्पून के करीब। इसमें डाल देंगे ये मलाई, मिक्स कर देंगे। तो यहाँ हमने क्रीम को अच्छी तरह मिक्स कर दिया है और गरम मसाले को भी अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब इसे हम ढक देंगे और गैस को कर देंगे हम बंद। तो हरियाली कीमा यहाँ तैयार हो गया है। अब हम बनाते हैं पूरियाँ। तो पूरियाँ बनाने के लिए हमने यहाँ 2 कटोरी आटा लिया है और 1 टीस्पून हम यहाँ तेल लेंगे, 1/2 टीस्पून नमक लेंगे। तो सबसे पहले हम ये आटे में सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। नमक और तेल को मिक्स करने के बाद में अब डालेंगे हम इसमें पानी, और पानी हम यहाँ थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसका एक सख्त आटा गूंथकर तैयार कर लेंगे। तो आटे को हमने यहाँ गूंद लिया है और आटा हमने थोड़ा सा सख्त ही गूंदा है। अब रख देते हैं हम इसे 8 से 10 मिनट के लिए, इसके बाद हम इसकी पूरियाँ बनाएंगे। तो इसे रख देते हैं हम ढक कर। तो आटा यहाँ अच्छी तरह सेट हो गया है। अब हम इसकी पूरियाँ बेल लेते हैं। पूरियाँ बनाने के लिए हम यहाँ छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर तैयार कर लें। तो लोइयाँ हमने यहाँ तैयार कर ली है। थोड़ा सा तेल लेंगे और ये आटे पर इस तरह लगाएंगे। हल्के हाथों से अब हम इसे बेल लेंगे और इस तरह से हम सारी पूरियों को बेलकर तैयार कर लेंगे। तो हमने यहाँ ये पूरियों को बेलकर तैयार कर लिए। अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए हमने तेल को गर्म होने रख दिया है कढ़ाई में। तो चलिए फ्राई करते हैं पूरियाँ। यहाँ गर्म हो गया है। अब हम बड़े सावधानी से इसमें ये पूरियाँ डालेंगे और एक झाड़े से हल्के हाथों से हम इसे दबाएंगे ताकि ये पूरियाँ अच्छी फूले। कुछ सेकंड के बाद में अब इसे हम पलटेंगे और जब ये दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाएं इस तरह, तो अब इन्हें हम निकाल लेंगे और इस तरह हम सारी पूरियों को फ्राई कर लेंगे। यहाँ फूली फूली पूरियाँ भी तैयार हैं और वहाँ कीमा भी तैयार है। अब कर लेते हैं हम इसकी प्लेटिंग।
तो लीजिए बहुत ही मजेदार ये हरियाली कीमा पूरी बनकर तैयार है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।